कहीं जा रही हो? बरेली। वही हमारा घर है। जाना जरूरी है। जिस काम के लिए यहाँ रुके थे तो हो क्या? अब यहाँ रुकने का ना तो हमारे पास कोई बहाना है, ना ही कोई वजह और ना ही अधिकार। She is not pregnant. ये जो पेट में मेरा रतन नहीं है, तो मेरा रतन कहाँ है? मुझे वापस सब कुछ करना पड़ेगा। ओमकी की शादी करानी पड़ेगी। पर ओमकी की शादी तेरा क्या काम? मैंने सब देख लिया और सब कुछ सुन लिया। वो तो अच्छा हुआ गौरी को बुआ माँ के बारे में पता चल गया, नहीं तो बुआ माँ हुंकारा को मारने की पूरी प्लानिंग करके बैठी थी। और अगर मैं कहूँ मत जाओ, रुक जाओ। क्यों? आपके पास कोई वजह है हमें यहाँ रोकने की? सही कहा तुमने, मैंने आज तक तुम्हें समझा ही नहीं, लेकिन अब मैं समझना चाहता हूं। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। I'm sorry. अब तो रुक जाओ। क्यों? रुके हम यहाँ ओंकारा जी, ताकि फिर से एक दिन आप हमसे कह दे कि इस घर से निकल जाओ? तुम समझ नहीं रही हो। समझ आप नहीं रहे ओंकारा जी, आप इस शादी को नहीं मानते ना। आपके लिए ना तो ये शादी कोई मायने रखती है और ना ही आपकी नजरों में हमारा कोई वजूद है। फिर किस हक से हम रुके यहाँ और क्यों? क्योंकि तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, कभी चुलबुल बन के, कभी मेरी बात। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, थोड़ा वक्त लो, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हुआ? आप हमारे आसपास होते तो वैसे हमारा दिमाग बौरा जाता है, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती हमारी, कुछ समझ ही नहीं आता। तो मैं क्या करूं? चाहिए। What? यहां से चाहिए। ये मेरा घर है। ठीक है, हम ही चले जाते हैं। ओके, रुको। तुम ये रुको, मैं जाता हूं। बट जस्ट थिंक अबाउट इट। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप एक कॉप। मिल गया। यस यस यस। कितना ढूंढा मैंने। देखिए चुप हो जाइए वरना आईपीसी की धारा 268, 290, 291 के तहत अंदर कर देंगे आपको। वेल डन एसीपी भव्या, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारा प्लान और मिशन सक्सेसफुल रहा। ओबराय जैसे हाई क्लास फैमिली में घुसकर सीधा उनके बेटे को सीबी बनाना कोई छोटी बात नहीं है। पर हमने आपको बताने की कोशिश की थी। मुझे लगा आप मजाक कर रही हैं। तो इसमें गलती किसकी है? हम तो कितनी बार आपके सामने पुलिस की लैंग्वेज में भी बात कर रहे थे, पर आप समझे ही नहीं। तो आप कहना चाहती हैं कि गलती मेरी है, मुझे गेस करना चाहिए था। और नहीं तो क्या? अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। वो किचन से अंडों का गायब होना, मेरे डंबल्स इधर उधर पड़े रहते थे, खमक, मुझे लगता था कि मैंने एक्सरसाइज करके कहीं पे छोड़ दिए होंगे, पर वो आप थी। आप एक्सरसाइज करती थी। और वो गन, गॉड, आपके पास एक गन भी है। दादी कहती थी सर्वगुण संपन्न बहु लेके आना, यहां तो सर्वगुण संपन्न बहु आ गई।
वो गन आप हमेशा अपने पास रखती हैं? हाँ, सोते वक्त भी। मैंने तो आपको एक अबला नारी समझा और आप एक कॉप निकली। एग्जैक्टली, हम एक कॉप हैं और एक मिशन पर हैं यहाँ। और उस मिशन के लिए आपने मेरा और मेरी फैमिली का यूज किया। हमारे बीच जो कुछ था वो सब सेटअप था, झूठ था। आई एम सॉरी रुद्र, पर हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी, पर आपसे दूर। रुद्र, देखिए, हम जानते हैं कि आप हमसे अपसेट हैं और आइडली हमें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, पर जब तक हमें फर्दर ऑर्डर्स नहीं मिलते हम ये असाइनमेंट छोड़कर नहीं जा सकते। यही फर्क है आप में और मुझ में। मेरे लिए आप मेरी फैमिली की तरह थी और आपके लिए मैं सिर्फ एक असाइनमेंट। पर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। हाँ, फिर भी हमें पता चल गया तेरे चेहरे पे जो लिखा है। क्या? वही जो तू कहना चाहता है कि हम तीनों अपने अपने कमरे से बाहर हैं। बाहर निकाल दिया गया हो? हाँ, थैंक्स टू द बोथ ऑफ यू। अब हमने क्या किया? प्रॉपर्टी पेपर्स पे किसने साइन किए थे? तुम दोनों की वजह से ना अनिका इस घर की मालकिन बन गई और उसने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाला है। कैन यू बिलीव इट? बैंड बजा दिए मेरी लाइफ की। बैंड मैंने नहीं, शिवाय ने बजा दिए मेरी। अच्छी खासी लाइफ जी रही थी मैं, नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अजीब हो गए हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कभी तो बोलते मुझे कमरा नहीं चाहिए, कभी बोलते कमरे से बाहर निकल जाओ। चाहते क्या मुझे नहीं पता। भौजाई, आपको तो सिर्फ कमरे से बाहर निकाला है ना, हमें तो ओमकारा जी ने घर से बाहर निकलने को कहा था। क्यों है कुछ गलत फहमियां हमारे बीच? गलत फहमियां होती, लेकिन समझदारी इसमें है कि हम उन गलत फहमियों को दूर करें और इसके लिए हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए ताकि वो भी सोच सके और हम भी। सोच ही तो नहीं रहा वो, इसलिए हमारी मजबूरी समझ नहीं रहा है। वैसे मजबूरी भी क्या तुच्छी चीज है ना, क्या क्या करवाती है हमसे। हम कितना भी बोल लें कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच क्या है कि हमें फर्क पड़ता है। हाँ, कुछ मत बोलो, और इसी फर्क पड़ने का फायदा वो उठाते हैं और हमें और फर्क पड़वाते हैं। तो इसमें ये होता है कि उन्हें फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन हमें बाल्टी भर भर के फर्क पड़ जाता है। फर्क उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हमें। हमें अपने रूम से निकाल दिया, लेकिन हम सोने के बजाय उनकी बातें कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो क्या करते भैया, उनको रूम से निकाल देते? अपने दिमाग से तो निकाल सकते हैं ना, उनके बारे में सोचना तो बंद कर सकते हैं ना। अगर उन्हें कोई परवाह नहीं है तो हम भी दिखा सकते हैं दैट वी डोंट केयर। ओके, हमें भी परवाह नहीं है। माना कि हमें उनकी चिंता है, लेकिन हम क्यों दिखाएं, क्यों उनकी तड़ी को हवा दें हम? क्या बोलती हो? एकदम खिड़की तोड़ बात कही है भौजाई। और वैसे अबे तुम क्या सोच रहे हो, जरा हर हराई के बताओ। वो भाभी, हम सोच रहे थे कि हमारे केस में गलती हमारी है, रुद्र की नहीं। गलती मेरी नहीं है, फिर भी मैं भुगत रहा। कल मेरा बर्थडे है और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं सेलिब्रेट करूं। एक सेकेंड, पागल हो गया क्या? बर्थडे है, सेलिब्रेट क्यों नहीं करेगा? हम तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या? वो भी धूमधड़ाके के साथ। एब्सोल्युटली। झगड़ा हमारा है ना, हम क्यों रुद्र का बर्थडे बर्बाद करें? हम उसका बर्थडे एकदम टकाटक मनाएंगे। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे बीच में बेचारे रूडी भैया क्यों पिसे, हम उनका बर्थडे मनाएंगे। Okay, it's decided then, okay? कल होगी बॉयज की पार्टी, वो लोग भी समझ जाएंगे कि वी डोंट गिव अ डैम। Yes, क्योंकि लौंडे हैं कमाल के। तो कल होगी लड़कियों की पार्टी। एक तो रुद्र का बर्थडे मनाया जाएगा और लड़कों को दिखाया जाएगा कि हम उनके बगैर खुश रह सकते हैं। जिंदाबाद, तो बोलो नारी शक्ति जिंदाबाद।